25 जून पूरे भारतवासियों को गौरवान्वित करने वाली तारीख है। खास करके क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह 25 जून याद रखने वाली तारीख है, क्योंकि इसी 25 जून को हमारे भारत के सबसे सफलतम कप्तान कपिल देव और उनकी पूरी टीम ने स्वर्णिम इतिहास रचा था। जिस प्रकार से एक फिल्म में कहा जाता है 2 अक्टूबर याद रखना, कुछ उसी प्रकार से समस्त भारतवासी 25 जून को सदा सदा याद रखते हैं, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं है, यह एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसे नौजवानों की हकीकत है जिन्हें किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी थी, न तो अपनों ने, न ही परायों ने। बाकियों का तो क्या दोष, खुद इन नौजवानों ने भी खुद को भाव नहीं दिया था। लेकिन जैसा कि हर कमाल की हकीकत में या कहानी में होता है, वैसा ही कुछ इनके साथ हुआ। एक एक कर कामयाबी मिलती रही और खुद पर भरोसा बढ़ता रहा। यह हकीकत है कपिल देव और उनके उन डेविल्स की, जिन्होंने 25 जून को, यानी 38 साल पहले 25 जून 1983 को सबसे बड़ा उल्टफेर करते हुए वर्ल्ड कप जीता था, वो भी वेस्टइंडीज की टीम को हराकर, जो उस समय 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी, जिसके लिए लिखते समय विश्लेषण कम पड़ जाया करते थे। मगर कपिल देव और उनकी टोली ने न केवल इस टीम को शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियन बनी, बल्कि उसने भारत जैसे देश में क्रिकेट को स्थापित कर दिया। कपिल देव और उनके साथी हमेशा कहा करते थे कि जब वे इस टूर्नामेंट में खेलने गए थे, तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे इंग्लैंड से जब लौटेंगे तो वर्ल्ड चैंपियन होंगे। वे तो खुद यही सोचकर गए थे कि घूम फिर कर आएंगे और इस दौरान थोड़ा खेल भी लेंगे। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप में जीतने के चांस कितने थे, इसे आप इस घटना से समझ सकते हैं। कृष्णमाचारी श्रीकांत उस समय टीम इंडिया के ओपनर थे। उन्होंने एक बार बताया था कि टीम में किसी को भरोसा नहीं था कि वे लोग जीतेंगे, क्योंकि इससे पहले के 2 वर्ल्ड कप में भारत ने केवल एक टीम ईस्ट अफ्रीका को हराया था। ऐसे में उनके हिसाब से टीम इंडिया मस्त मौला लोगों का दल था। श्रीकांत तो बाकायदा हनीमून के इरादे से वर्ल्ड कप खेलने गए थे, लेकिन टीम इंडिया की जीत ने उनका सपनों पर पानी फेर दिया था। श्रीकांत के अनुसार 30 मार्च 1983 को मेरी शादी हुई थी, मेरे पास सुनील गावस्कर का फोन आया। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप टीम चुनी गई है। अरे चिक्का, तुम्हारी तो शादी हुई है ना, बधाई हो, क्या तुम अमेरिका जाओगे? मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे पत्नी को भी साथ ले जाने को कहा। सनी ने कहा कि उन्होंने बोर्ड से बात कर ली और कई लोगों ने वर्ल्ड कप के बाद अमेरिका में फ्रेंडली मैच खेलने की रजामंदी दी है। उन्होंने मुझसे अमेरिका के टिकट बुक करने और बीच में लंदन के स्टॉप ओवर के लिए कहा था, लेकिन कपिल देव की वजह से सब गड़बड़ हो गया। जिस समय हमें अमेरिका जाना था, तब हम लंदन में फाइनल खेल रहे थे। इस तरह से वे उस समय हनीमून के लिए नहीं जा सके। कपिल देव उस समय टीम इंडिया के कप्तान, उस समय उनकी सबसे बड़ी समस्या वर्ल्ड कप जीतने की प्लानिंग की बजाय इंग्लिश बोलने की थी। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, तो वे इस सोच में थे कि इंग्लिश में बात कैसे की जाएगी। उनका भी मानना था कि जब वर्ल्ड कप खेलने को मिला है, खेल लेते हैं, बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन उन्होंने अपने खेल लीडरशिप और जज्बे से टीम इंडिया को जीत के लिए प्रेरित करना जारी रखा और आखिरकार कपिल देव और उनके डेविल्स वर्ल्ड कप जीत गए। ग्रुप मैचों में ही भारत ने अपने इरादे जता दिए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ फाइनल से पहले कपिल ने इसी टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 175 रन ठोके थे और भारत ने एक असंभव सी जीत दर्ज की थी। इस मैच से भारतीय टीम को लगा था कि वे लोग जीत सकते हैं। फाइनल से पहले वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचों में भारतीय टीम वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के साथ थी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले ही मैच में हराकर अपना खाता खोला था। फिर आगे के 5 मैच में से उसने 3 और जीते। जिम्बाब्वे को उसने दोनों मैच हराए, तो वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया से 1 जीत और 1 हार का मामला रहा। इसके दम पर भारत ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। यहां मेजबान इंग्लैंड उसके सामने था। भारत ने 6 विकेट से उसे हराया और फाइनल का टिकट कटाया। वहीं वेस्टइंडीज की टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में आई। उसने खिताबी मुकाबला खेलने की हैट्रिक बनाई। फाइनल में वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने टॉस जीता और बॉलिंग चुनी। एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, मैलकम मार्शल और माइकल होल्डिंग जैसे घातक गेंदबाजी चौकड़ी के सामने टीम इंडिया के बल्लेबाज नहीं चले और 183 रन मात्र बना सके। ओपनर कृष्णकारी श्रीकांत ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। वहीं संदीप पाटिल ने 27 और मोहिंदर अमरनाथ ने 26 रन की पारी खेली।
वेस्टइंडीज की ओर से विवियन रिचर्ड्स को छोड़कर बाकी सबको विकेट मिला। 183 रन के लक्ष्य के सामने वेस्टइंडीज जीत की तगड़ी दावेदार थी। उसके पास कमाल के बल्लेबाज थे और भारत के पास वेस्टइंडीज टीम की तरह तूफानी गेंदबाज नहीं थे, उसके पास तो केवल मीडियम पेसर्स थे। वेस्टइंडीज ने बहुत अच्छे तरीके से लक्ष्य का पीछा किया और एक विकेट पर अपना स्कोर 50 रन तक पहुंचा दिया। रिचर्ड्स पूरे रंग में थे और 28 गेंद में 7 चौकों से 33 रन कूट चुके थे। यहीं पर मदनलाल बॉलिंग के लिए आते हैं। उनकी गेंद पर कपिल देव जबरदस्त कैच लपक कर विवियन रिचर्ड्स की पारी का अंत कर देते हैं। कपिल का यह कैच पूरा मैच बदल देता है। इसके बाद भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से वेस्टइंडीज टीम पर चढ़ जाते हैं और देखते ही देखते स्कोर एक विकेट से 50 रन से 6 विकेट पर 76 रन हो जाता है। मदनलाल, बलविंदर सिंह संधू और रोजर बिन्नी की मिलिट्री मीडियम पेस वेस्टइंडीज के आला बल्लेबाजों को ढेर कर देती है। विकेट कीपर जेफ डुजोन 25 और मेलकम मार्शल 18 मिलकर के स्कोर को 100 रन के पार ले जाते हैं। लेकिन बारी आती है मोहिंदर अमरनाथ के जादू बिखेरने की। वे दोनों को आउट करते हैं, फिर माइकल होल्डिंग के रूप में आखिरी विकेट गिराकर इतिहास रच देते हैं। भारत ने उलटफेर कर दिया था, वेस्टइंडीज के वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक का सपना धरा का धरा रह गया। भारत वेस्टइंडीज के बाद वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया। कपिल देव और उनकी टीम ने इतिहास रच दिया। मोहिंदर अमरनाथ को 26 रन बनाने और 12 रन पर 3 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बीसीसीआई के पास उस समय पैसा नहीं होता था, ऐसे में लता मंगेशकर का कार्यक्रम करवाया गया। उससे जो पैसे आए वे भारतीय खिलाड़ियों को इनाम के रूप में दिए गए।